दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सिख आंदोलनकारी ज्यादा होने की वजह से दस्तरबंदी भी शुरू हुई। सिंघू बॉर्डर पर कई जगहों से दस्तरबंदी, सिर पर पगड़ी बांधने का काम भी जारी है। जिन्हें सिर पर पगड़ी बांधने का चाव है और जिसे ये पहनावा अच्छा लगता है, वह फ्री में पगड़ी बंधवा सकते हैं, जिसे दस्तारबंदी कहते हैं। दस्तारबंदी पर काफ़ी भीड़ देखी गई। दस्तारबंदी पर काफ़ी लंबी लाइनें दस्तारबंदी करवाने वालों की लगी हुई थी। इस दस्तारबंदी में नौजवान ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भी सिंधु बॉर्डर पर रुके हुए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में ही पगड़ी का चाव है, इसलिए वो भी अपनी दस्तरबंदी करवा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से दस्तरबंदी करवा रहे हैं। यहाँ ये एक ही राज्य से नहीं है, जगह जगह के राज्यों से आए हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सभी जगह के लोग यहाँ आपको दस्तारबंदी करते हुए नज़र आ जाएंगे। जब हमने लोगों से इस बात का सवाल किया तो काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक हौसला है और एक बुलंद आवाज़ निकलती हुई नज़र आ रही है। सुनिए क्या कहा। नवी वो वध से वध दस्तार बनाए और इस मुहिम में साथ जुड़े, इसके लिए ये हमारे सिख भाइयों का अबराला है। कल भी आए थे, आज भी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम भी ये पगड़ी बना कर लाइन में लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मकसद तो यही है ना कि जो आप बना के लेके जाएगा, जो आज वो मुड़ के जाओ जो रुचि का तुम देख ही सकते हो, भी देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। घट्टो घट पहला 100-150 नौजवान दस्तार बना के वा गया। अभी तो यही बेनती करते हैं भाई, ज़्यादा तो ज़्यादा सिख कौम नाल जुड़ो, दस्तार बनो, केस रखो, दाढ़ी रखो, सोने लगोगे। ये अपने पंजाबी सिख कौम की पंजाब पहचान है। साढ़े गुरु ने भी दस्सिया भी आप दस्तार बननी चाहिए है, इसलिए मैं तो सारे बेनती करता भी जिन्हें भी मेरे मीर भाई होर फिरते हैं, गए जो भी रोड ने गए सिर तो वो आओ इतने जुड़ो, वधिया गल है, दस्तार बननी सीखो। फ्री सेवा है या किस तरह से सेवा? हाँ, ये फ्री सेवा जमा, बिल्कुल अपने ओपा जी बैठे ने गए पंजाबी सरदार, उन्होंने आपके वालों फ्री सेवा दी है। आप कहां से आए हैं, कितने दिन से आए हुए हैं? बहुत वड्डी ताकत है जिहड़ियां बाहर देशां विदेशां दे विच सारियां गल्लां तुसीं पहुंचांदे हो। तुहाडा बहुत बहुत तुहाडे चैनल दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना मैं। ये जिहड़े विधानसभा दे विच केजरीवाल ने ये काले कानून दियां जो MCB दियां कापियां पाड़ियां, एक बड़ा वड्डा कदम है, असीं उहनां दा समर्थन करदे हां। मैं पंजाब तों हाँ, तो साने साडे कैप्टन सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी चाहिए कि विधानसभा के एक मता लिया तो उत्थे भी कापियां एदियां फाड़ियां जा। जैसे दिल्ली में पूर्ण समर्थन केजरीवाल सरकार आपको दे रही है, यहाँ जितने भी मतलब किसान आंदोलन में जो भी लोग आए सबसे पहले ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया पंजाब सरकार ने, मुझे दिखता नहीं है, ना कोई अकाली ना कोई BJP तो दे ही नहीं सकती ना, लेकिन केजरीवाल का नंबर एक है। सरकार के बारे में क्या कहना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा हो जैसे 2022 में चुनाव आने वाले? नहीं, केजरीवाल से पहला भी तो चलो काफी उन्हें एक दो स्टेप मतलब भी वधिया, चलो एक दो स्टेप पंजाब दे कुछ हक विच नहीं, जिवें पानियां दा मुद्दा चुक्या ही है ना, वो भी एक बड़ा वड्डा मुद्दा आया YSL दा मुद्दा। तो यह जरा केजरीवाल ने विधानसभा, क्योंकि हूँ तो असं इनू वेख रहे हैं ना, जरा किसानों का लोंदन अंदोलन है। मैं खुद पंजाब दा, पंजाब तो हाँ, मेरी 25 एकड़ जमीन है, तो चलो इन्हें जिहड़ियां कापियां फाड़ियां काले कानून दियां एक बड़ा वधिया ही इहनूं समर्थन करदे आ। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से सरकार को बोल दिया है कि बैठ के आप बात करिए और किसानों को आप उठा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई जिहड़े किसान आए ना ऐ अपने वधिया शांतमई ढंग दे नाल अपने अंदोलन कर रहे ने। हर एक बंदे नूं हक है, हर एक बंदे नूं हक है अपना मतलब रोस करना, शांतमई नाल कर रहे आ। तो ये मतलब भी मोदी का हाल वो होएगा जो हिटलर का हार होया सी ना, मैं सन 1947 दी गल्लां कर रहा, ये जिद जिहड़ी RSS दी और इन्हां दी जिद है ना, ये जिद बहुत माड़ी हुंदी है, उहनूं छड्ड देना चाहीदा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी एक कमेटी बनाओ तो अस भी उहदा समर्थन करते हैं।